उसका बाहर हूँ। जी, और ना मुझसे पूछ के टिकट दी गई है और मुझे जानकारी भी नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, पर जी, वहां पे सांसद रणविजय सिंह देव हैं, वहां पे हमारे वरिष्ठ नेता कृष्णा राय जी हैं, और अब तो भाजपा ने गणेश राम भगत जी को भी बिल्कुल शामिल कर लिया, जी, और सभी वरिष्ठ नेता हैं वहां वहां पे तो मेरे जैसे कार्यकर्ता की जरूरत तो पड़ने नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर मतलब ये अपन ये कहेंगे कि वहां स्थिति आपकी नजर में भी स्पष्ट नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं जानता महाराज जी, जी आप जहांगीर जी पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा, ये चंद्रपुर में आपने बहुरानी को उतारा, इसकी मतलब खास वजह क्या थी? महाराज जी, मैं असल में क्या था उसको उतारने के पीछे वजह कि ये तो पढ़ी लिखी महिला भी जी है, मास्टर इन कॉमर्स की हुई है, जी जी एक आध साल मैं शादी नहीं करता तो सीए भी बन जाती, जी 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 तो वो उतरेगी और मैं क्या है कि विधानसभा लड़ता जी जी तो फिर एक विधानसभा तक सीमित रह जाता। जी 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 मैं चाहता हूँ मैं पूरा प्रदेश घूमूंगा जी 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 और लगभग 90 विधानसभा जी में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हों जी जो पिताजी से जुड़े थे, जी जुदे सेना के कार्यकर्ता हो, संघ जी के कार्यकर्ता हो, जी बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, सबसे भेंट करूंगा जी और सबको फिर से रिचार्ज करने का काम करने जा रहा हूँ, जी जी जो कि एक विधायक रहते नहीं जी कर पाता। मैं मोड़ दो नहीं बार का पा विधायक, जी 10 साल से विधायक हूँ, तो जी मैं बहुत नहीं दे पाता समय में। जी जी जोगी जी के बारे में आपने कटाक्ष किया था अभी, इसकी क्या वजह थी? नहीं महाराज, जोगी जी जो है उन्होंने कसम खाई, जी अब पहली बात तो वो ईसाई है, जी वो बाइबल पर हाथ रख के कसम खा ले कि जी वो हिंदू है, पहली जी बात। जी क्यों उनके बेटे ने चर्च में शादी की, जी दूसरी बात। जी तीसरी बात कि ईसाई होते हुए जी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ चाहे जी वो गीता हो जी चाहे वो हमारे सतनामी धर्म ग्रंथ सतनाम संदेश हो जी चाहे हमारे कबीर धर्म पंथ जी कबीर पंथी हो, जी इन सबको छूकर उन्होंने कसम खाया। तो पहली बात तो मुझे आपत्ति है कि उन्होंने कसम क्यों खाया, जी और दूसरा बात है कि वो जो बोल रहे हैं कि मैं स्टैम्प पैड में लिख कर देता हूँ कि जी जी ये सब मैं करूंगा जी जी वरना जी मेरे खिलाफ FIR करना, जी उसमें उन्होंने धान का समर्थन मूल्य जो है जी जी बढ़ाकर बोला 2500 रुपये हम कर देंगे, जी जी तो धान का समर्थन मूल्य तो केंद्र सरकार तय करती है, जी 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 तो क्या बिल्कुल जोगी प्रधानमंत्री हैं क्या, जी यानी सीधा 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 झूठ बोल रहे। जी 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 और ये हर कोई जानता है कि जी जोगी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था जी जी कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हुआ और बड़े स्तर में हुआ है, जी जी और मैं खुले रूप मंच में चैलेंज करता हूँ जोगी जी को कि जी जी धर्मांतरण के बारे में मुझसे खुले बहस करना, जी 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 और उनके कार्यकाल में सर्वाधिक चर्च खोले गए, जिस गांव में दो ईसाई नहीं थे उस गांव में चर्च 50 लगे, 1 करोड़ के चर्च बने। आज हमारा समृद्ध समाज जी चाहे वो साधु समाज हो जी चाहे वो चंद्रा समाज हो जी जी
चाहे हमारे कुर्मी समाज के भाई हो, जी जी चाहे हमारे जो ब्राह्मणों से भी अपने आप को शुद्ध रखते हैं जी, और पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, जी बिल्कुल, ऐसे हमारे सतनामी समाज के भाई हो जी, उनका धर्मांतरण हुआ है जी, और इसके लिए मैं जोगी जी से खुली चुनौती देता हूँ, बहस कर लो मेरे से। जी जी अच्छा ये इस बार सीजी में मतलब अपने छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनती है, मतलब किसकी बनती हुई दिख रही है आपकी निगाह? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है जी, इसमें कोई दोष लगाया नहीं है। सीएम मतलब सीएम का चेहरा बदलने को लेकर के काफी लंबे समय से अफवाह सोशल मीडिया में भी चल रहा था, क्या लगता है आपको सीएम कौन होगा अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो? देखिए सीएम का चेहरा बदलेंगे जी तो लोकसभा में हमें मतलब हार का सामना करना पड़ेगा, जी जी क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह एक ऐसे चेहरे हैं जी 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 जो सौम्य है, जी सबकी सुनते हैं जी जी और उन्होंने 15 साल में क्षेत्र में काम करके दिखाया है। जी 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 और जी सबसे बड़ी बात ये है कि जी चाहे वो तमाम साइकिल हो या जी 1 रुपए 2 रुपए चावल हो या कुछ भी हो, सारी योजना जी का लाभ तो मिल ही रहा है हमको निश्चित तौर पर। लेकिन एक जो मेरे पिता कहते थे, जी जी मैं भी कहता हूँ जी, कि जो इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी बाल हृदय योजना जी और मुख्यमंत्री संजीवनी योजना जो लागू की ना, जी 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 मैंने अपने विधानसभा में 100 लोगों को संजीवनी योजना के तहत 1.5 लाख का लाभ दिलवाया है जी 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 और कम से कम 20 बच्चों की जान हृदय योजना से बचाया है। जी 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 तो ऐसे प्रदेश में कितनी दुआएं मिली होंगी, निश्चित तौर पर। तो इन दुआओं के असर है जी जी कि रमन सिंह जी को ही बनना है मुख्यमंत्री। आपने टीएस रावत को बेहतर मुख्यमंत्री बताया था, मैंने जरूर कहा था, मैं आज भी अपनी बात को कहता हूँ जी, लेकिन मैंने उससे पहले क्या कहा था, सच्चा आदमी गलत दल। जी 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 चूंकि छत्तीसगढ़िया है टीएस बाबा जी 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 और एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते मैं कहा था जी कि वो अच्छे सीएम के चेहरे होंगे, जी जी पर ये नहीं कहा था कि रमन सिंह से अच्छे होंगे, जी 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 क्योंकि टीएस बाबा में तमाम अच्छाइयां हैं जी जी पर वो दबाव में आ जाते हैं जो जी सच्चाई का। जी 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 तो अपने जो वरिष्ठ नेता है जी वो जी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल हो जी जी चाहे वो पूनिया जी हो, जी उनके दबाव में आ जाते हैं जी जी तो, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी में नहीं है, नहीं है जी, तो दबाव में आ जाते हैं, तो जो दबाव में आएगा वो जी मुख्यमंत्री पद कैसे संभाल सकते, कैसे संभाल सकते हैं? पूरे प्रदेश में ये बदलाव की लहर बताई जा रही है, मतलब एंटी इनकमेंसी है और आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, तो सरकार कैसे बनती हुई दिख रही है? सरकार यू बनते दिख रही है, जी चाहे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाई लोग हों जी, जिनका अधिकांश वोट कांग्रेस में प्रकाश था जी मोदी जी के आने के बाद, जी सारी आवास योजना प्रधानमंत्री आवास जी योजना सुविधा को मिली, जी एक एक गांव में आप घूमिए 300 आवास बन रहे। जी 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 उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि हमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक मिलेगा, बिल्कुल, इससे पहले याद कीजिए इंदिरा आवास योजना जी 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 तो 50-60 हजार पेंशन होता था जी, और 10 हजार सरपंच को कमीशन दो तो जी, 10 हजार जी, जनपद में दो तो 40 हजार में तो बाथरूम नहीं बनता है, बिल्कुल, आज घर कहाँ से बनेगा? जी 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 और दूसरी ये है जी जी कि मंत्रियों के खिलाफ जरूर वो है नाराजगी लोगों में जी 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 लेकिन मुख्यमंत्री